तो गाइस आज मैं मिलाने वाला हूँ अपने एक फ्रेंड से, जिनका नाम वो खुद बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो भाई ने तो टेस्ट किया, कैसा भाई है? बहुत बढ़िया है। ये लोग भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है पाकिस्तान का फेमस आम चौंसा, जिसे बोला जाता है। तो भाई हमने ये आइसक्रीम ले ली है और टेस्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। तो भाई कैसा टेस्ट लगा? बहुत ही बढ़िया। यहाँ के ऐसे पकौड़े होते हैं तो गर्म है भाई। टेस्ट कैसा भाई? बहुत ही बढ़िया, पर गर्म है। तो यहाँ पे इसको मैश किया जाता है, उसके बाद जो है इसको चटनी में मिक्स किया जाता है, और उसके बाद भाई क्या किया जाता है? उसके बाद खाया जाता है बस। फ्रेंड्स ये हमारा रहीमिया खान सिटी, तो पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव आर वाई के का। सो हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं मिलाने वाला हूँ अपने एक फ्रेंड से, जिनका नाम वो खुद बताएंगे। तो गाइस मेरा नाम है रणबीर तिवारी। तो फ्रेंड्स का हम दोनों ने यूट्यूब चैनल जो है साथ में स्टार्ट किया था, लेकिन काफ़ी टाइम से जो मैं ट्रैवल कर रहा था तो भाई के पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए। हम साथ में ही स्टडी करते हैं और साथ में ही रहते हैं। तो फाइनली अब जो आगे वाले व्लॉग्स है वो हमारे साथ आने वाले हैं, तो भाई से कुछ गपशप भी करते हैं और आज सिटी का टूर भी करते हैं, और यहाँ पे मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, तो भाई से कुछ बातें करते हैं। तो भाई मेरे गैर मौजूदगी में आप कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया? तो क्या किया? मैंने तो कहीं और ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, इसी सिटी में कुछ व्लॉग्स बनाए थे और साथ में कुछ गांव के यानी के व्लॉग्स बनाए थे, और गांव में ही ट्रैवल किया था। तो अब मैंने सोचा हुआ कि आगे ट्रैवल करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं क्योंकि करतारपुर की तरफ भी गया था, लाहौर गया था, मरी गया था, कराची भी गया था, काफ़ी जगह, तो भाई के पास टाइम नहीं था तो इस वजह से नहीं जा पाए। लेकिन आने वाले बहुत से व्लॉग्स में जो है हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, और इनके जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनको टैग भी कर दूंगा। तो हमें आपके सिर्फ प्यार की जरूरत है, हम दोनों को प्यार दीजिए और हम ऐसे ही जो अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आपके लिए बनाते रहेंगे। तो अब चलते हैं सिटी की तरफ, चलते हैं और मिलते हैं वहीं पे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बादल और बहुत ही खूबसूरत व्यू है आज का, तो गाइस आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं सिटी की तरफ। फ्रेंड्स हम सिटी की तरफ जा रहे हैं और बारिश, यहाँ पे मौसम बना हुआ है लेकिन कभी भी बारिश हो सकती है, उससे पहले पहले वीडियो बना के घर पे जाना है वापस। ये है स्कूल बाजार, और अभी यहाँ पे बारिश है तो आवाम जो है पब्लिक बहुत कम है। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं शाही जलेबी एंड स्वीट्स पे, जो कि जलेबी चौक में मौजूद है, शॉप बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो ये जलेबी चौक का चौक है और बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो अब हम लेने वाले हैं यहाँ से जलेबी और टेस्ट करने वाले हैं कि जलेबी किस तरह की है। ये बैक कैमरे से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जलेबी का। ये जलेबी तैयार हो रही है। चाचा जी आपकी जलेबी फेमस क्यों है? जी आपकी जलेबी बहुत फेमस है, उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, तो इसीलिए हम भी काफ़ी दूर से आए हैं। भाई ये देख सकते हैं जलेबी बन रही है इस तरफ जो है, इसको क्या बोलते हैं, शीरा। तो भाई ये शीरे के अंदर यहाँ से जलेबी तैयार होती है, उसके बाद शीरे में डाली जाती है और उसके बाद जो है वो कस्टमर को सर्व की जाती है। और जलेबी बस टेस्ट करके बताने वाले हैं। फ्रेंड्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं इस जलेबी चौक का एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि जलेबी किस तरह तैयार की जाती है। तो ये यहाँ पर व्यू है भाई। आप जलेबी लेने आए हैं? भाई भी जलेबी लेने आए, हम भी जलेबी लेने आए हैं, तो टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कि कैसी जलेबी है। तो फ्रेंड्स ये है जलेबी, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो भाई ने तो टेस्ट किया, कैसा भाई है? बहुत बढ़िया है, जलेबी वैसे होती मीठी है। और वाकई भाई यहाँ की जलेबी बहुत ही फेमस है और टेस्ट करके पता भी चल रहा है बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट है और हम तो बार बार खाना चाहेंगे। तो भाई आप जब भी आओ जलेबी चौक पर लाजमी आना, और बाबा बाबा जी के हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है, बहुत मज़ा आया। ये सिटी में फेमस है और ये वैसे भी रहीमिया खान सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जलेबी चौक के नाम से ही चौक है।
मिलते हैं जलेबी खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, ये है मॉल्स रहीमिया खान सिटी के बशीर मॉल्स, और उसके सामने जो है वो घंटा घर है, और पास में ही हमारा पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस है, और ये है दुआ चौक। इस चौक का नाम है दुआ चौक, और सामने इसके जो सिटी पार्क है, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, उसका भी कभी विजिट करवाएंगे आपको। रहीमिया खान सिटी, तो पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव आर वाई के, का मतलब होता है रहीमिया खान सिटी। तो ये हमारा खूबसूरत सिटी है। तो भाई कितने टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं? हम दिसंबर में आए थे मेरे ख्याल में, फिर अब आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट हमारा चैनल भी नहीं था मेरे ख्याल। तो फ्रेंड्स, हम दिसंबर में आए थे लास्ट बार, जब हमारा चैनल भी नहीं था। हम सोच रहे थे कि चैनल क्रिएट करें और वीडियोज बनाएं, तो अब फाइनली 6 महीने के बाद जो हमने इस प्लेस का विजिट किया है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स, आई लव रहीमिया खान। तो हमारा सिटी बहुत खूबसूरत है, कभी भी मौका मिले तो आप यहाँ पे विज़िट करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये है ड्रेस मार्केट, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़ों के शॉप्स वगैरह, लेकिन आज बारिश है तो उसकी वजह से जो क्लोज़ है, तो यहाँ पे पूरा सामान मिलता है। ये देख सकते हैं कपड़ों की शॉप, और यहाँ पे पूरा जो है शूज़ वगैरह हर चीज़ मिलती है। तो अब हम लेने वाले हैं मोसे। सो फ्रेंड्स, अब हम खाने वाले हैं पाकिस्तान के फेमस मोसे, और ये जो शॉप है इसका नाम जलंधर स्वीट्स है। तो भाई, 2 प्लेटें भेज दूँ। सो फ्रेंड्स, ये है जलंधर स्वीट्स, और अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। और अब हमने 2 प्लेट समोसों का ऑर्डर दिया है, और खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे समोसे आ चुके हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। सो फ्रेंड्स, ये है आलू समोसा, तो अब इसको मैश करते हैं और खाते हैं। तो भाई, कैसा लगा कीमा बनाने के बाद? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला टेस्ट आ रहा है। जैसे कि मुझे मीठी चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, बट ये जो जैसे कि फास्ट फूड है वो सभी मैं लाइक करता हूँ, खाता भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो अभी यानी कि मेरा तो यही मानना है कि ये सारा अभी खा जाऊँ जल्दी। बहुत ज़्यादा अच्छा है, और टेस्ट भी नमक मिर्च पूरा है। तो भाई, अब इनको जल्दी ख़त्म करते हैं, आपने भी खाना है तो फ्रेंड्स आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम मैंगो वाले भाई के पास, तो उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी क्वालिटी के मैंगो हैं, क्या नाम है इनका, और इनकी प्राइस वगैरह क्या है, वो भाई से पूछते हैं। तो भाई, ये कौन से, इसका नाम क्या है? ये सफेद चौंसा है लेट, ये बहुत अच्छा आम है। अच्छा, लोग जूस के लिए लेकर जाते हैं। तो इसकी सेल भी ज़्यादा हो रही है, सफेद चौंसा है ये। अच्छा, तो कौन कौन से, मतलब कि इसके अंदर आपके पास जो है कौन कौन क्वालिटी के आम पड़े हुए हैं? नाम हमारे पास 2-3 क्वालिटी के आम पड़े हुए हैं। अच्छा, सफेद चौंसा, ब्लैक चौंसा। अच्छा, तो कौन कौन सा दिखाएं? तो फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान का फेमस आम चौंसा, जिसे बोला जाता है, और लोग जूस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये भाई कौन सा है? ब्लैक। तो भाई, ये है भाई ब्लैक चौंसा आम, तो बहुत ही यहाँ के टेस्टी है। तो भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और हमारा घर में कैसा, और ये बारिश ने आपके साथ क्या किया है? बारिश ने आमों को और रंग लगा दिया है, जहाँ पे लोग 1 किलो लेते थे वहाँ 4 किलो ले रहे हैं। तो भाई, देख आम, बारिश में आम खाने का अपना ही मज़ा है। तो भाई, देख सकते हैं बारिश में जो है हवा चली है तेज, तो उसकी वजह से जो है ना ज़्यादातर आम गिरे हैं, तो लोग खाने के लिए लेके जा रहे हैं, जूस वगैरह बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ दिखाते हैं। तो थैंक यू भाई। तो फ्रेंड्स, ये थे मैंगो वाले भाई। तो अभी दूसरे भाई हैं, वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे बात करते हैं कि उनका नाम क्या है। तो भाई, आपका नाम क्या है? भाई उस्मान मुगल नाम है। अच्छा, उस्मान मुगल नाम। तो भाई, आप क्या करते हैं?
भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी सेकंड ईयर में। सही। और साथ में थोड़ा सा सिंगिंग का शौक है, अच्छी बात है। प्रीमियर खान में तो भाई ये भी हमारी तरह ही निकले, मतलब किसी को यूट्यूब का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, तो भाई हम दुआ देते हैं कि जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं वो आपका सपना पूरा हो। तो आप प्रीमियर खान के ही हैं? जी जी, प्रीमियर खान के ही। तो फ्रेंड्स जो भी हमारे व्लॉग में है, आप भाई आना चाहता है तो हम उनसे ना उनको अपने व्लॉग में ले लेते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है लोगों से बात करके, उनके लाइफ के बारे में जान के। तो भाई सिंगिंग करना चाहते हैं तो हम दुआ करते हैं कि इनका जो सपना वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर आगे और कुछ और दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये है रहीमिया खान की फेमस सड़क, इसका नाम है शाही रोड, और बहुत ही ये मेन बाज़ार के मेन रोड है। यहाँ पे जो है हर तरफ शॉप ही शॉप है, फ्रिज की, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स मार्केट, तो सब कुछ यहीं पे है। तो ये है मेन मार्केट रहीमिया खान सिटी की। तो अब हम जाने वाले हैं चमन आइसक्रीम की तरफ, जो कि यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस आइसक्रीम है। तो देखते हैं कि वो शॉप खुली है या नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी जो है ना चीज़ें वो क्लोज़ हैं आज, और बारिश आपको दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम आ चुके हैं चमन आइसक्रीम पे, और ये है सिटी का व्यू, और अब लेने वाले हैं चमन आइसक्रीम। तो भाई बना दें 2 कप। ये भाई बनाने वाले हैं। भैया कितने कितने वाले कप हैं? 30, 40, 50। अच्छा ये कौन सा वाला? 30 वाला। अच्छा 30 वाले 2 बना दें। भाई हमने ये आइसक्रीम ले ली है और टेस्ट किए, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। तो भाई कैसा टेस्ट लगा? बहुत ही बढ़िया है, यानी कि मैं तो पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं जब भी यानी कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन होता है तो यहीं पे आता हूँ। तो इस बार मैंने मेरे भाई को बोला कि यहीं पर चलते हैं और काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। तो भाई ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसलिए हमने छोटा सा कॉइन लिया है ताकि टेस्ट करें, अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो और ले लेंगे, वरना बस इसी से गुजारा करेंगे। तो भाई आज जो है हमने बहुत कुछ खाना पीना खा लिया है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आए तो भाई बड़े वाला लेंगे, नेक्स्ट टाइम बड़ा वाला। तो फ्रेंड्स आप इसको ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं आगे, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, तो बारिश हो उससे पहले। तो ये है रहीमिया खान सिटी का चमन आइसक्रीम। तो भाई मिलते हैं फिर इसको ख़त्म करने के बाद। ये है रहीमिया खान का फेमस चमन आइसक्रीम, भाई इसका नाम सुना था, आज इसको खाया भी है, बहुत मज़ा आया। तो भाई ये मेरे साथ भाई है, तो ये भाई मुझे यहाँ पर लेके आए थे। तो भाई तो यानी कि मैं पहले आ चुका था तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे भाई को भी ले जाता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ का जो इन्हें भी टेस्ट करवाता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि यहाँ का जो फेमस चीज़ है चमन आइसक्रीम। तो हमने अभी आप लोगों को जो कुछ दिखाया है, तो अब ये कुछ बताएं कैसा भाई लगा आप? बहुत मज़ा आया। तो अब नेक्स्ट कौन सी जो डिश हम खाने वाले हैं, किस तरफ जाने वाले हैं हम नेक्स्ट? नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं पकोड़ा, अगर मिल जाता है तो बारिश में पकोड़े खाने का अलग ही मज़ा। तो वही तो है ना, क्योंकि अब तो पहले हमने खाया है वो और जलेबी, उसके ऊपर खाया है समोसा, समोसे के ऊपर खाइए ये आइसक्रीम, उसके ऊपर पकोड़ा, फिर बन जाएगा अंदर भरता। तो चले तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं पकोड़ों वाली शॉप पे। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर वापस, और सिटी वगैरह घूम लिया, बहुत मज़ा आया। भाई कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही। तो अब हम यानी कि आगे और चीज़ें ट्राई करेंगे फिर घर चले। तो फ्रेंड्स आगे अब जाने वाले हैं, कुछ और चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, वो आपको दिख जाएगा, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। अभी हम आ चुके हैं फ्लाई ओवर के ऊपर और मेरे साथ रणवीर भाई मिलते हैं, और ये हमारा रेलवे स्टेशन है। तो भाई कैसा लगा आज? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत ही तरह तरह की चीज़ें खाई और काफ़ी फुल भी हो चुके हैं, और हमने खुद के सिटी को भी आज फर्स्ट टाइम जो है इतना इंजॉय किया है, क्योंकि वैसे इतना प्यारा बना हुआ है कि गर्मी बिल्कुल है नहीं। और ये भाई यहाँ का व्यू है। तो अब हम जाने वाले हैं एक और जगह ट्राई करने वाले हैं कुछ, उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। तो सनसेट होने वाला है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। Hello
डेढ़ किलो सेब चाहिए, 16 डेढ़ किलो। फ्रेंड्स ये है सखरडा, न्यू सखरडा रहीमिया खान सिटी का, और बहुत ही खूबसूरत बसेज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फैसल मूवर्स भी है, और काफ़ी जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती है। तो आगे जो है वड़ैच एक्सप्रेस का ऑफिस आने वाला है, उसके बाद फैसल मूवर भी यहीं पर है। तो आप कहीं भी यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद। तो हमारा सिटी जो है बहुत ही अच्छा है, ये आर वाई के सिटी लिखा हुआ है। तो ये है फैसल मूवर का ऑफिस, और उसके बाद वो सामने की तरफ है वड़ैच एक्सप्रेस। तो ये भाई देख सकते हैं मुल्तान, और ये यहाँ का ऑफिस है इनका। आज बारिश है तो काफ़ी चीज़ें जो क्लोज है। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं पकौड़ों की शॉप पे, और ये देख सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़े, और ये है समोसे और आलू पकौड़े भी पड़े हुए हैं, और इस तरफ जलेबियाँ हैं, और उस तरफ चाचा जी जलेबियाँ बना रहे हैं। तो भाई आज बारिश में पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा है। फ्रेंड्स अब खाने वाले हैं पकौड़े, तो बारिश में पकौड़े नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो भाई रणवीर भी मेरे साथ है, और अब हम खा रहे हैं पकौड़े वगैरह, समोसे वगैरह तो हमने खा लिए थे, तो पकौड़े रहते थे। तो बारिश में पकौड़े नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कैसे भाई? बिल्कुल, पकौड़े के बिना तो फिर बारिश का मज़ा ही नहीं है। तो आप खाने वाले पकौड़े और टेस्ट करने वाले हैं, और आपको बताने वाले हैं कि कैसे पकौड़े बने हुए हैं। तो ये है यहाँ का व्यू फ्रेंड्स, और ये है पकौड़े, और ये हमारे पकौड़े आ चुके हैं, आप टेस्ट करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बने हैं। इधर जो जगह होती है ना। तो फ्रेंड्स अब टेस्ट करने वाले हैं रणवीर भाई, और ये पकौड़े हैं यहाँ के, ऐसे पकौड़े होते हैं। तो गर्म है टेस्ट कैसा भाई? बहुत ही बढ़िया, पर गर्म है। तो भाई बहुत ही औसम पकौड़े बने हुए हैं, और गर्मा गर्म समोसे अभी ताज़े ताज़े निकले हैं। तो भाई और बारिश में समोसे पकौड़े तो भाई बनते ही बनते हैं। ये स्ट्रीट फूड है, यानी कि फेमस है, ऐसे नहीं कोई है बहुत ही गर्म, इसलिए तो फ्रेंड्स हाँ ये लोकल नहीं है, ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और ये जो रहीमिया खान सिटी के अंदर चौक टासान पे लोकेशन है इसकी, और ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं ये काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, तकरीबन 15-20 साल तो हो गए यहाँ पे। तो ये यहाँ के बहुत ही फेमस, हाँ तो ये बहुत ही फेमस समोसे हैं। तो फ्रेंड्स आप खाते हैं पकौड़े, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स फाइनली हमने सिटी पूरा विजिट कर लिया है, अब हम जो है खाना वाना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, समोसे पकोड़े और जलेबी और सब कुछ हो चुका है। हाँ तो आइसक्रीम वगैरह खा के और पूरा सिटी विजिट कर लिया है, और पेट में काफी भरता बन चुका है उन सब चीज़ों का। और थैंक गॉड कि अभी बारिश नहीं हो रही, थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकली है, बट बारिश कभी भी हो सकती है। तो ये हमारे था सिटी का टूर, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? फिलहाल तो यही कहेंगे कि अभी हम बिगनर हैं, तो हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा।